दोस्तों, इस चट्टान को जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये चट्टान तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये विशाल पत्थर कैसे एक छोटे से जगह में पूरी तरह से बैलेंस के साथ टिकी हुई है, और इसी रहस्य ने वैज्ञानिकों के भी छक्के छुड़ा दिए हैं। और दोस्तों, आश्चर्य करने वाली बात यह है कि ये चट्टान एक ऐसी जगह पे मौजूद है जहाँ से नीचे की तरफ एक 20 फीट लंबी ढाल है, और अपने इसी गुप्त और अनोखे रहस्य के कारण ये पत्थर यानी चट्टान आज लाखों लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दोस्तों, इस पत्थर के इसी अनोखे बैलेंस के चलते इस पत्थर को बैलेंसिंग पत्थर या बैलेंसिंग चट्टान भी कहा जाता है। लोगों का मानना है कि ये पत्थर भगवान श्री कृष्ण के माखन का मटका है जो आसमान से गिरा है। दोस्तों, ये पत्थर करीब 1200 साल पुराना है और 250 टन वजनी है। कुछ लोग इस पत्थर को भगवान श्री कृष्ण के माखन की गेंद और कृष्णा बटर बॉल भी कहते हैं। इस पत्थर को पहली बार साल 1908 में खोजा गया था, और अंग्रेजों ने इस पत्थर को नीचे लाने के लिए बहुत कोशिशें की। यहाँ तक कि साथ साथ हाथियों द्वारा बांध कर खिंचवाया भी गया, लेकिन यह पत्थर अपनी जगह से हिला तक नहीं। यह पत्थर किसी इंसान के द्वारा इस जगह पर खड़ा किया गया है या प्रकृति के द्वारा, ये सवाल का जवाब आज तक किसी को नहीं पता। और इसी सवाल के साथ कृष्णा बटर बॉल का रहस्य आज तक बना हुआ है, जिसे कोई भी वैज्ञानिक अभी तक नहीं सुलझा सका। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।